क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड स्मूथ है और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, तो हमें करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड स्मूथ है और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ए सी एम इक्वल टू टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 5 + 20 दैट इज 25। दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगेन ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए वन के इक्वल है और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल गिवन है। नाउ वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, सिंपली दैट 2 इज इक्वल टू एम वन दैट इज ब्लॉक ए, तो जाएगा 5 इंटू ए वन फाइंड करना है प्लस एम टू इज इक्वल टू 20 और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ए टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 25। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट 5 a1 इज इक्वल टू ये जाएगा 50 - 40 दैट इज 10। सो दिस इंप्लाई दैट a1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कंफर्म है कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है। सो वी हैव एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, अगेन एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन जहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 50 न्यूटन के इक्वल होगा। अगेन वी मस्ट हैव एफ लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। ठीक है, मतलब ब्लॉक ए पर जो भी फ्रिक्शन फोर्स एड कर रहा है ये कन्फर्म है कि उसका मैग्नीट्यूड या तो एफ मैक्स से इक्वल होगा या उसके कम होगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स दैट इज 50 μ। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 दैट इज 0.2। ठीक है, मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.2 या 0.2 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन B एंड ऑप्शन C। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।